पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते एक चंद्रमा के बारे में तो आप जानते ही, लेकिन अब पृथ्वी को दूसरा चंद्रमा मिलने वाला है। इसे इसकी साइज के कारण मिनी चंद्रमा भी कहा जा रहा है। पृथ्वी का ये नया चांद जल्द मिलेगा, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं रहेगा, फिर अपना नया रास्ता तलाश लेगा। धरती को दूसरा मून 3 दिन बाद यानी 29 सितंबर को मिल जाएगा। इस नए चंद्रमा को कुछ लोग मिनी मून कह रहे हैं, हालांकि खगोल वैज्ञानिकों ने इसका नाम 2024 PT5 रखा है। दरअसल ये अब तक पृथ्वी की कक्षा में नहीं था, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने इसे अपनी ओर खींचने में तकरीबन सफलता हासिल कर ली। जैसे लोग सम्मोहन खींच लेते हैं, वैसे इस समय ये पृथ्वी की ओर खींचा चला रहा है। 29 सितंबर को ये मिनी मून दुनिया की परिक्रमा करनी शुरू करेगा और फिर करीब 2 महीने तक पृथ्वी के साथ रहेगा। 25 नवंबर को ये हमें टाटा बाय बाय कह देगा। खगोलविदों ने पहली बार 7 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका स्थित वेधशाला में इससे पृथ्वी की ओर आते देखा था। ये एक छोटा चांद है, इसे शुद्र ग्रह और एस्टेरॉयड भी कहा जा रहा है। इसे अर्जुन शुद्र ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका साइज एक बड़े कमरे के बराबर यानी 11 मीटर या 37 फुट के आसपास बताया जा रहा है। ये घोड़े की नाल सरीखा होगा। हालांकि इसे मुकम्मल साइज का पता तभी लगेगा जब ये पृथ्वी के परिवार में शामिल होकर घूमने लगेगा। इसके बाद ये फिर सूर्य की उस कक्षा में लौट जाएगा जिसे हेलियोसेंट्रिक ऑर्बिट कहा जाता है। बता दें कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अक्सर छोटे शुद्र ग्रहों को उसकी कक्षा में खींच लेता है, इससे वो स्थायी रूप से छोटे चंद्रमा बन जाते हैं। शोधकर्ताओं ने इस मिनी मून को स्थायी रूप से पकड़ी गई मक्खी कहा है। हम इस मिनी मून को देख नहीं सकते क्योंकि इसकी चमक मैग्नीट्यूड 22 है, जो इसे नंगी आंखों से या यहाँ तक कि बाजार में उपलब्ध शक्तिशाली टेलीस्कोप से देखना भी असंभव बनाती है। इसे केवल बड़े 30 इंच वाले पेशेवर टेलीस्कोप से ही देखा जा सकेगा। पृथ्वी को ऐसा ही एक चंद्रमा साल 2013 में मिला था। वो करीब 55 से 65 फुट के आकार का था। वो शुद्र ग्रह हवा में ही फट गया था। इससे जापान के हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 20 से 30 गुना अधिक ऊर्जा निकली। सूरज से भी अधिक चमक पैदा हुई। इसके मलबे ने 7,000 से अधिक इमारतों को नुकसान पहुंचाया और 1,000 से अधिक लोग घायल हुए। हालांकि 29 सितंबर से पृथ्वी की परिक्रमा करने आ रहे इस छोटे चंद्रमा से कोई खतरा नहीं है। ये 2.6 मिलियन मील दूर से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।